पर ले जाएगी। नेट लॉन्ग नेट शॉर्ट्स यहां पर ऑफकोर्स मल्टी ईयर हाईज पर हैं फिलहाल। अगर हम सोना खरीद रहे हैं और मेटल्स भी साथ में डिप्स पे खरीदारी कर रहे हैं अनुज, तो आप चांदी भी लेंगे? बिल्कुल मनीषा जी, क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से बेस मेटल पूरे रिबाउंड हुए हैं और जो ऑप्टिमिज्म आया है ये मेरे को लगता है कि इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव रहेगा। और हमने देखा है कि सभी बेस मेटल लोअर लेवल से रिकवर होते हुए दिखाई दे, तो मुझे लगता है कि चांदी भी एक कमोडिटी जो अभी भी अंडर परफॉर्म है एज कम्पेयर द गोल्ड, तो मुझे लगता है कि चांदी में भी खरीदारी का ट्रेड देखने को मिलेगा। डेफिनेटली मुझे लगता है कहीं ना कहीं चांदी आपको ऊपर 74,000 से लेकर 75,000 तक, मीन्स करीबन 24 से लेकर 25,000 के बीच मूव करती हुई दिखाई देगी। तो मोमेंटम अभी जो बना है थोड़ा सा पॉजिटिव मुझे लगता है कि यहाँ पे चांदी का रहेगा, तो डेफिनेटली चांदी को भी खरीदना प्रेफर रहे।